नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जो अगला पेपर होने वाला है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, उसमें से या उस सब्जेक्ट से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा जो कि पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है, एक भी फालतू प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का लाभ और अधिक हो तो आप पेपर पेन लेकर के इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए, तब आप और अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी हो ही जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब पहुँचते हैं हम लोग अपने सीधे मुख्य टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है वो है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। इसका अर्थ आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो मैं समझाता हूँ। देखिए, बात ऐसा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में, सामग्री हैंडलिंग उपकरण। तो दोस्तों, सामग्री हैंडलिंग उपकरण का मतलब क्या होता है? जैसे कृषि में किसी वस्तु को, किसी अनाज का उत्पादन होता है, तो जैसे बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती हैं कृषि वाले, उसमें जो जब जैसे चावल बनता है, जब धान को कूट कर चावल बनाया जाता है, तो धान को बोरा में कस के मज़दूर उसको मिल के, जिसको बोलते हैं, जिसको टीन में नहीं डालते बल्कि वो मशीन द्वारा तो ऑटोमेटिक उसमें डाला जाता है, तो उस काम को करने के लिए जो यंत्र यूज़ किया जाता है उसको आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बोल सकते हैं। अगर आप इसको और गहरा समझना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने उदाहरण है कि अगर देखें होंगे आप कभी कंबाइन हार्वेस्टर जब गेहूं काटता है और जो गेहूं का अनाज निकालता है, तो उसमें कोई आदमी अपना हाथ का प्रयोग नहीं करता, कोई मजदूर नहीं जाता, बल्कि हार्वेस्टर स्वतः उसको निकाल देता है। उसमें देखना है गोल गोल घूमने वाला होता है, उसको विस्तारपूर्वक आगे जानेंगे दोस्तों। तो इक्विपमेंट्स हैंडलिंग का अगर साधारण अर्थ देखें तो इसका मतलब यही होता है कि इसके प्रयोग से किसी वस्तु को, किसी अनाज को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जाता है, और साथ ही इसमें श्रम और पैसा का बचत होता है और समय का भी बचत होता है। तो दोस्तों, अब विस्तारपूर्वक जानने की बारी आती है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपसे आपके सामने है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन शामिल हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑपरेशन शामिल हैं, और पहला ऑपरेशन है, पहले शॉर्ट में जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों, पहला ऑपरेशन क्या है? पहला ऑपरेशन है दोस्तों बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। यानी ये कन्वेयर का एक प्रकार है, जैसे आप लोग कन्वेयर नाम सुनकर समझ गए होंगे। कन्वेयर का मतलब होता है जैसे बेल्ट, पुली पर दो पुली के बीच में जो बेल्ट चढ़ा जाता है, उस पर किसी वस्तु को इधर से उधर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कन्वेयर बोलते हैं। जो पहला हो गया कन्वेयर बेल्ट है, दूसरा है बाल्टी कन्वेयर, तीसरा है पेच कन्वेयर, और चौथा जो है वो है चेन कन्वेयर, और जो पाँचवा और आखिरी कन्वेयर है वो वायवीय कन्वेयर। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है इससे कल जरूर ही आएगा, क्योंकि दोस्तों ये अपना सिलेबस का हिस्सा है तो ज़रूर आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बताती है कि इस सब्जेक्ट को, इस पार्ट को पढ़ो, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। और यह जो पार्ट आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये पार्ट भी वही है, इसको यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया कि सिलेबस अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों, अब विस्तारपूर्वक जानने की बारी आती है दोस्तों, तो विस्तारपूर्वक आप जानेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, विस्तारपूर्वक चर्चा, ठीक। अब देखें, अब आप यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेल्ट कन्वेयर। तो बेल्ट कन्वेयर का मतलब क्या होता है, इसका क्या कार्य है, और इसको संचालन में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी में दिया हुआ है, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें। तो देखिए, अब विस्तारपूर्वक चर्चा करने की बारी आती है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार लगा कर लिखा हुआ है अंतहीन बेल्ट होता है, जैसा कि मतलब अंतहीन का मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पुली है और एक यहाँ पुली है, ठीक है, और इन दोनों पर एक बेल्ट चढ़ाया हुआ है जिसको फीता या पाटा भी बोला जाता है। बिहार में फीता अधिकतर बोला जाता है, यूपी में पाटा बोला जाता है, और मतलब इसको आप बेल्ट साधारण तौर पर बोल सकते हैं। तो ये जो बेल्ट है ये अंतहीन बेल्ट है, ठीक। ये दोनों पुलियों पर हमेशा घूमते रहेगा, जब तक आप इसको घुमाते रहेंगे इसका अंत कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों इसका जो अंतहीन बेल्ट है, इसका मतलब ये हुआ। और आगे देखते हैं, आगे आपसे आपको बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा का नंबर पे, यह वी आकार के परिवहन के लिए उचित है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मशीनों में जो बेल्ट होता है वो वी आकार के लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी एक यहाँ पुली, एक यहाँ पुली और एक तीसरा पुली जो यहाँ है, तो ऐसे जो है वो एक वी आकार के प्रयोग के लिए उचित है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है साधारणतः इसकी गति कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 2.5 सेकेंड से 2.8 सेकेंड
सॉरी 2.5 मीटर से 2.8 मीटर प्रति सेकेंड होना इसका जरूरी है, ठीक है। और बेल्ट की गति कितनी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो इस जो बेल्ट की गति है संचालन के समय 3.5 मीटर प्रति सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, वो कितना होता है दोस्तों, अधिकतर होता है 3.5, और जो इसका साधारण होता है वो कितना होता है 2.5 से 2.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लें, ये जो आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर ही पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपसे कि जो उस वीडियो में बताया था मैंने प्रश्न, वो प्रश्न आज के पेपर में आए थे। तो दोस्तों ठीक इसी तरह ये प्रश्न भी कल के पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों यहाँ तो बेल्ट कन्वेयर को तो हालांकि जान गए हम लोग, इसका फोटो की मैं अब इसको फोटो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, क्योंकि फोटो के माध्यम से आप लोग इसको बेटर समझेंगे। तो चलिए फोटो देखते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ये है एक बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जूम हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको हल्का किए, अब इसको समझाते हैं। ये क्या है, ये जो है ये एक बेल्ट है। जैसे आप लोग साधारण तौर पर किसी स्टेशन पर गए होंगे तो जो लिफ्ट लगा होता है आजकल, वो इसके ही नियम पर कार्य करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर जो स्टेशन पर होता है उस पर आदमी चलते हैं, और जो इसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, इस पर अनाजें और कृषि उत्पाद चलाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस बेल्ट को देखकर समझ गए होंगे कि बेल्ट कन्वेयर क्या होता है। और दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों आगे देखिए, आगे देखने के लिए आपको यह मिलेगा, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये एक छोटा लड़का है हरामी, वो इसको बना दिया गया है, वो ये इसको बना दिया है, पता नहीं चल रहा कि आदमी है या मोर है, और ऊपर से देखने से तो राक्षस जैसा लग रहा है। पर कोई बात नहीं, आप इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। आपको किस पर ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है इस पर, यानी बाल्टी कन्वेयर, जो अगला प्रकार है उस पर ध्यान देना है। तो अगला प्रकार क्या है दोस्तों, अगला प्रकार है बाल्टी कन्वेयर। तो बाल्टी कन्वेयर के बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं, और बाल्टी कन्वेयर के बारे में इसमें इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी क्षमता 50 मीटर से ऊपर की ओर वर्टिकल रेंज होती है। तो दोस्तों बाल्टी कन्वेयर क्या क्या होती है, इसकी जो रेंज होती है 50 मीटर ऊपर की ओर वर्टिकल, यानी सीधा ये जो कन्वेयर है ये सीधा होता है। आप इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, चित्र आगे दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। इसकी क्षमता हो जो होती है वो 50 मीटर से ऊपर और वर्टिकल रेंज होती है। और आगे देखिए दोस्तों, और अगला है इसकी वजन क्षमता 1000 टन होता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये जो है ये 1000 टन क्षमता को 50 मीटर तक की ऊँचाई तक ले जा सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग बारीकी से देखे होंगे तो यहाँ पर इसमें कुछ गलती लिखा हुआ है, पर कोई बात नहीं, जो इसका सटीक आंकड़ा है यही होगा, यानी इसकी वजन क्षमता जो होता है 1000 टन होता है, ठीक है। और ये 1000 टन तक क्षमता को 50 मीटर तक ऊपर रेंज तक ले जा सकता है। और इसका फोटो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये जो दोस्तों है ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये बाल्टी के आकार का जैसा है, ठीक है। और आप इसको नीचे देखेंगे तो या नीचे में भी एक बाल्टी के आकार जैसा लगा हुआ है, ठीक है। ये ही एक बाल्टी के आकार जैसा लगा है दोस्तों। इसका कार्य क्या होता है, ये सीधे ऊपर की ओर चलता है, जिसका लंबाई अधिकतर 50 मीटर तक हो सकता है। और ये जो है 1000 टन तक क्षमता वाले सामान को, वजन वाले सामान को 50 मीटर तक ऊँचाई तक ले जा सकता है। और दोस्तों अगला पर चलते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है, आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है बताया आपको क्या बताया जा रहा है दोस्तों, आगे आपको यही बताया जा रहा है कि पेच कन्वेयर है जो अगला कन्वेयर है, ठीक है। और इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या पता कल किसके बारे में पूछ दे, लेकिन इतना तो जरूर है कि सभी कन्वेयर के प्रकार में से किसी ना किसी के बारे में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये सिलेबस से सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये जो हो गया आपका पेच कन्वेयर, इसको विस्तार से जाने, इसका जो देखिए जो पहला पॉइंट है, इसका ढांचा सर्पिलाकार होता है। अगर आप इसका फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे, आपको फोटो आगे दिखाया जाएगा। पहले इसके पॉइंट्स को नोट कीजिए अपने माइंड में, और हो सके तो पेपर पे भी नोट कीजिए। तो इसका ढांचा कैसा होता है दोस्तों, सर्पिलाकार होता है, और पेच कन्वेयर का जो ढांचा होता है सर्पिलाकार होता है। और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है इसके गर्त यू आकार के होते हैं, यानी जो इसके यू जो इनके गर्त होते हैं, खांचे कटे होते हैं, वो यू आकार के होते हैं। और दोस्तों आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यह अनाज को धकेलती है, ठीक है। यह अनाज को धकेलती, ऊपर नहीं उठाती न नीचे ले जाती, बल्कि यह अनाज को धकेलती है, ठीक है, अनाज को धकेलती है। और अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये तो भाग रहा है, जल्दी से देखिए वरना भाग भी सकता है, इसका क्या गारंटी। और देखिए अनाज को धकेलती है,
और अगला पॉइंट देखिए, तो हालांकि सब कुछ जानते हो ये सरल है, ठीक है। और इससे अगला जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका उपयोग क्षैतिज से 90 डिग्री तक के कोण पर किया जा सकता है। कितना दोस्तों? क्षैतिज से 90 डिग्री तक के कोण पर किया जा सकता है, ओके। और दोस्तों इसके बारे में चर्चा करें तो आपको उदाहरण के तौर पर आपके सामने पेश करेंगे, जैसे हार्वेस्टर जब गेहूं काटता है या कोई फसल को काटता है तो उसको जब बाहर निकालता है तो वो इसी तरह के कन्वेयर का यूज़ करता है, ठीक है। जैसा अच्छा, और एक और उदाहरण है तेल मिल, जैसे आप लोग देखें हुए तेल मिल जब खुला हुआ होता है तो स्पेलर जिसको बोलते हैं बिहार में बोलते हैं तेल पेराने वाला मशीन, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सर्पीला आकार का होता है, ये अनाजों को धकेलता है। और इतना कहने के बाद समझ में नहीं आया तो आप इस चित्र को ही देख लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अगर ये हो गया आपका डाला या जिसको बोल सकते हैं टीन, इसमें आप अगर किसी अनाज को डालेंगे या मान लीजिए इसमें पहले से अनाज है, जब इसको संचालित किया जाएगा किसी माध्यम से तो ये जो अनाज है इसी में धकेलते 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 हुए इधर आपको जहाँ यहाँ फेंकने का है तो यहाँ फेंक देगा, ठीक है। और साधारण तौर पर हार्वेस्टर और जो तेल पेरने वाला मशीन होता है उसमें इसी तरह का कन्वेयर पेच कन्वेयर लगा होता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कन्फ्यूजन है, जल्द ही उसका समाधान भी लाया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात किया जाएगा या वायवीय कन्वेयर का, ठीक है दोस्तों। यानी जो ये है वायवीय कन्वेयर है, अब इसको विस्तार से जानने का बारी आया तो दोस्तों इसको बहुत बारीकी समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस का प्रश्न है, इससे आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इन पांचों प्रकारों में से किसी ना किसी के बारे में तो ज़रूर पूछेगा। तो दोस्तों अब इसको विस्तार से जान लेते हैं। और दोस्तों पहला पॉइंट है, यह बंद पाइप में दानेदार सामग्री को स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। ये बंद पाइप में दानेदार सामग्री को स्थानांतरित करते हैं, और आगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और आगे है दोस्तों, या तो हवा के धारा में चूसन तथा धकेलने के दबाव से क्रिया होता है। यानी ये जो है किसी एक पाइप में किसी अनाज को या तो चूस कर खींचता है अपने तरफ या धकेलता है। और आगे देखिए, आगे आपको बताया जा रहा है, थोक फैलाव के लिए 15 से 30 मीटर प्रति सेकेंड सीमा वायु वेग आवश्यक है। अगर इसको संचालन करना है तो थोक फैलाव के लिए आपको 15 से 30 मीटर प्रति सेकेंड के वायु वेग का होना जरूरी हो जाता है। और दोस्तों आगे देखिए, और अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, इसकी तीन प्रणालियां होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में कि वायवीय कन्वेयर के कितने प्रणालियां होते हैं, तो दोस्तों तीन प्रणालियां होते हैं। और कौन कौन होता है दोस्तों? तो पहला जो होता है वो सक्शन या वैक्यूम सिस्टम, और दूसरा होता है पुश पुल संयुक्त, और जो तीसरा है वो चूसन बलो सिस्टम। और दोस्तों अगर आपको बताया जाएगा, इसका उदाहरण दिया जाएगा इसको, तो आप लोग समझ जाएंगे। साधारण तौर पर आप लोग देखे होंगे जो होता है वैक्यूम क्लीनर, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। गांव के लड़के तो शायद कम ही देखे होंगे, क्योंकि गांव में ऐसा तो सिस्टम होता नहीं है। मैं भी गांव से हूँ तो हम लोग टीवी और कभी ना कभी आप ज़रूर देखे होंगे, वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस सिद्धांत को कृषि में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से अनाज को खींच कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। और दोस्तों इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इसका फोटो देखिए, ये हो गया जो आपका, ये है आप इसमें अनाज भरेंगे, ठीक है। और यहाँ से रोटरी या मतलब यहाँ से हवा का संचालन होगा, तो ये जो है अगर इधर खींचा होगा तो जितने अनाज हैं वो इधर के लगे डब्बे में चले जाएंगे। और दोस्तों पाँचवा और आखिरी को देखते हैं, हाँ इसका तो पहले फोटो आ गया, पर कोई बात नहीं, ये समझने वाली है और ये आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आजकल तो इसको सब कोई देखे होंगे। और दोस्तों अब अगला समझते हैं दोस्तों, और अगला है और लास्ट है वो चेन कन्वेयर है, ठीक है। चेन कन्वेयर, अगर आप लोग कन्वेयर का मतलब समझते हैं तो चेन कन्वेयर को भी अच्छी तरह समझते होंगे। तो चेन कन्वेयर क्या होता है, अब इसको समझते हैं इनके टॉपिक्स के माध्यम से। यह कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर के समान होते हैं, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि यह जो कन्वेयर होता है ये ठीक बेल्ट कन्वेयर की तरह कार्य करता है, लेकिन इसके कार्य के आधार पर इसके चेन के पांच भाग होते हैं, यानी पांच प्रकार के इसमें इसको विभाजित किया गया है कार्य के आधार पर इसके चेन को। और पहला होता है दोस्तों कास्ट आयरन चेन, दूसरा होता है कास्ट स्टील चेन, दोस्तों नोट करते जाइए, ठीक है। और तीसरा होता है जाली चेन, और चौथा जो है वो स्टील की चेन, और पाँचवा जो है वो प्लास्टिक की चेन।
अब दोस्तों उदाहरण देंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण में है दोस्तों कंपनियों में पैकिंग पॉइंट पर, अगर आप किसी पैकिंग पॉइंट का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो है ये है आपका कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, या इसको चेन कन्वेयर बोल सकते हैं। इस पर ये जो है वर्ग, ये है आपका सामान। एक उधर पुली लगा हुआ है और एक इधर पुली लगा हुआ है। पुली को संचालित किया जाता है, ये जो चेन चलने लगता है जिस दिशा में आप चलाना चाहें, और इस पर अगर सामान को रखते हैं या कृषि उत्पाद को रखते हैं तो ये एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है दोस्तों। तो यही है आज के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए, और इसी वीडियो से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, जितने भी पेपर हो रहे हैं उनका सबसे सटीक आंसर की सबसे पहले इसी चैनल पर लाया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी देखना ना भूलें ताकि आपका स्कोर पता चले कि मेरा स्कोर कितना हुआ परीक्षा में। और कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा और आगे किस तरह का वीडियो लाया जाए इस चैनल पर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और जय कृषि विज्ञान।